हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है 5 अप्रैल का, तो ये सुबह की क्लिप है। मैंने सुबह बच्चों के लिए लंच में देने के लिए बनाए थे छोले और कुलचे। छोले मैंने घर पे बनाए थे, लेकिन कुलचे हम लेके आए थे। और खिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे अलग चीज़ मिल गई थी, क्योंकि वो सब्जी ले जाना पसंद नहीं करती। अगर हम उसे और कुछ देते हैं तो वो ऐसे रोती है और फिर कहती है कि मुझे खाया नहीं जाता, मुझे खाया नहीं जाता। तो अभी ये मैं यहाँ पर कुलचे सेक रही हूँ। और उसके बाद आज हमें जाना था रोहतक, क्योंकि सैयम और गुड्डू के लिए हमें लेके आने थे बैग। तो आप ये देख सकते हैं, हम किला रोड पर पहुँच गए हैं। और जो बैग की शॉप है वो किला रोड पर है। और किला रोड से बाहर निकल कर जो ये रोड दिल्ली साइड रोड जाता है उसके ऊपर है, राइट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ओले हाथ में जिस साइड हम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शॉप है। और ये जो गोसाई हैंडलूम लिखा हुआ है, इससे अगली दुकान है बैग की। तो मैं बहुत बार लेके, और मैंने इससे पहले जो व्लॉग हुआ था उसमें बताया था कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बैग लगे हुए हैं। और ये अंकल हैं जिनकी शॉप है। और उसके बाद बस हमने बैग देखे। वैसे हमने कोई चॉइस तो करनी पसंद तो करनी नहीं थी, क्योंकि जो बैग मैं ओजस के लेके आई थी तो सैम और गुड्डू ने बोला था कि सेम वैसा ही बैग चाहिए। तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, यहाँ पर सिर्फ कलर पसंद किए और फिर हम ये बैग लेकर, मतलब बैग ले आए थे। और जो बैग है वो, मतलब यहाँ पर आपको हर ब्रांड का मिल जाता है, स्काई बैग, वीआईपी वगैरह, या फिर आप जो भी सफारी, सब मिल जाते हैं, ट्रॉली बैग भी। और इसके बाद बस हमने बैग लिया और हम चले गए वापस किला रोड पर आ गए। अब आप देखना, ये थोड़ी सी दुकान, बस थोड़ा सा ही चलना पड़ता है, उसके बाद ही आ जाती है बैग की दुकान। और बस थोड़ा सा लम, और ये किला रोड आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी। आप भीड़ से पता चल जाता है कि किला रोड है। आप इधर, ये बीच में पार्किंग है और इधर उधर दोनों साइड। और यहाँ से हमने लिए थे लंच बॉक्स, लेकिन वो वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैंने वहाँ पर नहीं बनाया। और उसके बाद हम गए थे गुड्डू की चप्पल लेने के लिए। और मैं ये आपको चप्पलें किस, मतलब शॉप दिखा रही थी क्या क्या है इसमें। बहुत अच्छी शॉप है, आप कैसी भी ले सकते हो। यहाँ पर जूती मिल जाती है, फ्लैट हील शूज, किसी भी तरह के शूज ले सकते हो। और ये स्पेशल जो लड़कियों के लिए है, यहाँ पर बॉयज लड़कों के लिए नहीं मिलेंगे चप्पलें या शूज, यहाँ पर सिर्फ लड़कियों का ही होता है कि आप, लेकिन आप कैसी भी ले सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों के ही साइड, और ये यहाँ पर है, आप देखिए जूती। ये जो जूतियाँ हैं ये थोड़ी सी, मतलब रेट से कम, जैसे कोई साइज रह जाता है कि भाई हाँ, जैसे किसी, मतलब कोई कलर अकेला रह जाता है तो बाहर निकाल देते हैं, फिर इसको थोड़ा कम रेट में दे देते हैं वो। और ये देख सकते हैं आप, ये जतिन फुटवियर के नाम से ये शॉप है, बहुत अच्छी शॉप है। मैं तो हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ, रोहतक आती हूँ तो यहीं से लेती हूँ चप्पलें। और ये हमने आपको दिखाने की पूरी कोशिश की कि हम आपको दिखा सकें। और ये एक भैया यहाँ पर ये काम कर, तो ये पूछ रहे थे कि आप, मतलब हमने पूछा था इनसे कि हम वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, तो इन्होंने अलाउ कर दिया था, बोले कि बना। और उसके बाद हमें लगी थी भूख तो हम चले गए थे कुछ खाने के लिए। तो यहाँ पर हमने छोले भटूरे खाए थे, और ये मैंने आइसक्रीम खाई थी, और फिर हम चले गए थे। ये प्रताप चौक की मार्केट है, जहाँ पर भी स्पेशल लेडीज़ के लिए, और मतलब लड़कियों यहाँ के पर जो है लिए स्पेशल लड़कियों के फुटवेयर की फुटवेयर की दुकान। दुकानें हैं दोनों साइड प्रताप चौक मार्केट में। और अगर आप सीधा जाओगे तो आगे आपको कुर्तियों का कपड़ा मिल जाएगा, आप कैसे भी ले सकते हो। यहाँ पर कपड़े की मार्केट, आगे जाकर सूट वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। और बस हमें और कुछ लेना था तो फिर हम आ गए थे सीधा घर। हमने रिक्शा ली, और ये हम रिक्शा में बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने कोई सूट नहीं किया, और मिलते हैं आपको सीधा घर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या लेके आए रोहतक से। हम, मतलब और कोई सामान नहीं लेके आए थे, हम लेके आए थे एक तो स्कूल के लिए, वो जैसे रुखिया के लिए तो हम पहले ले आए थे, लेकिन गुड्डू, मतलब आचल, और आचल को हम गुड्डू कहते हैं घर पे, तो आचल और सेम के लिए मैं आज लेके आई हूँ। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये तो है लंच बॉक्स, ये लंच बॉक्स है सेम का, और ये बिल्कुल और जिस जैसा ही, बिल्कुल बस कलर कलर अलग है। आपने, मैंने आपको पहले वीडियो दिखा था। और उसके बाद हम लेके आए हैं सेम के लिए बैग, बैग भी सेम ही था, बस कलर का अंतर है इसमें, और कुछ नहीं है। क्योंकि और जिसको सेम को, मतलब और जिस वाला बहुत पसंद आता, तो उसने कहा कि मम्मी मेरे लिए वैसा ही ला देना। और ये
और जो सेम की बॉटल भी हम सेम कलर की लेके आए, मतलब और जो जैसी है बिल्कुल सेम। और ये बैग है आंचल का, ब्लू कलर का, और बैग तो बिल्कुल सेम ही है। और जो ये बैग है ना, ये इसमें 1 साल की गारंटी है, मतलब गारंटी किस चीज़ की है, सिलाई की। और वो अंदर ना कोमोर लगा के भी देते हैं ये। और मैंने आगे क्लिप में ऐड कर रखा है उनका एड्रेस, अगर आप लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पर तारीख है जिस दिन भी आपने खरीदा, और यहाँ पर उनकी मोहर है। अगर साल के बीच में अगर सिलाई वगैरह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, कुछ भी होता है, चैन खराब होती है, तो वो ही इसको ठीक करके देंगे। तो ये लेके आए थे, और गुड्डू अपने लिए लेके आई थी ये वाली बॉटल, पीच कलर की है, क्योंकि वो लड़कियों जैसा कलर ही, तो वो लेके आई थी। और फिर हम गए थे चप्पलों की शॉप पे, तो वहाँ की भी मैंने क्लिप ऐड की आपके लिए। तो हम गुड आचल के लिए लेके आए थे 2 जोड़ी चप्पल। तो एक तो ये लेके आए थे हम, जैसे कहीं आना जाना हो तो जीन्स वगैरह पे डाल लो, या फिर कोई गाउन वगैरह फिर वगैरह उस पर डाल सकते हो आप। एक तो हम ये लेके आए थे, और एक बाथरूम स्लीपर लेके आए थे, वो तो मैं आपको क्या दिखाऊँ, वो उसने आते ही घर पर डाल ली थी। तो एक ये लेके आए थे, और जहाँ से हमने लंच जो बॉक्स से वाटर बॉटल ली थी, वहाँ से मैंने घर का सामान लिया था, छलनी और चमच वगैरह, वो तो मैंने रख दिया थी ड्रॉर में, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। और मैं अपने लिए 2 स्टॉल लेके आई थी गर्मी में ओढ़ने के लिए, क्योंकि चुनिया नहीं ओढ़ी जाती, और हम सिर पे तो रखना ही पड़ता है। और वैसे भी ये चुनियों से अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत गर्मी लगती है, बिल्कुल कॉटन की है। तो मैं एक तो ये वाला कलर लेके आई थी, और एक मैं लेके आई थी ये वाला, ये मल्टी कलर में है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा था। वैसे तो वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे थे, ये नहीं थे कि बहुत अच्छे अच्छे कलर थे, लेकिन मैं अभी तो 2 ही लेके आई हूँ गर्मियों के लिए, क्योंकि मैं घर पर चुन्नी नहीं डालती, मैं यही ओढ़ लेती हूँ सिर पे, यही ओढ़ते हैं, क्योंकि गर्मी में चुन्नी ओढ़ ही नहीं जाती। और कुछ चुनियाँ तो ऐसी होती हैं जो मतलब सिर पे नहीं रुकती, फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये अच्छा था, ये इस पे ये जो ईवा ब्रांड है इसका टैग भी लगा हुआ था। तो ये पश्मीना के सूटों में आता है ऐसा ये वाला टैग। तो एक ये लेके आए थे, तो बस ये लेके आए थे हम, ज़्यादा कुछ नहीं लेके आए। और कपड़े वगैरह तो आचल और सेम की उसकी मम्मी लेके आएगी जब हो जाएगी। और आचल और सेम मेरी बहन के बच्चे हैं, मतलब कि जो जिसके पापा हैं दो भाई हैं और हम दो बहनें थी। तो हमारी शादी एक ही घर में हुई है, कहीं आप अगर कोई नया सब्सक्राइबर देख रहा हो तो मान लो उसको कंफ्यूज ना हो जाए कि ऐसा कैसे। तो ये है कि वो मेरी बहन के बच्चे हैं, तो वो मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई को लड़की हुई है, तो वो जाप्पे पे हमारे हरियाणा में क्या कि जाप्पा निकालने की लड़कियाँ जाती है, तो अभी वो वहाँ पे गई हुई है। तो बच्चे यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर कोई बड़ा बच्चा था नहीं, तो यहाँ पे उनका मन लगता है जो सिंह किया के साथ, तो इसलिए वो यहाँ पे है। तो ये हम लेके आए यार। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।